डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनविंदर जी। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। और देखिए, ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आप इनके बड़े नज़दीक रहे हैं और दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही है। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं आप इनके इस नए कदम को? थोथा चना बाजे घना, ये कहावत आपने सुनी है। जिस पार्टी का चीफटेन मुखिया जेल में है, वो भी तिहाड़ जेल में, जिसकी पार्टी अंदर से टर्मोइल के आस डे टू डे फेस कर रही है, जिस पार्टी के विधायक दिल्ली में 60 विधायक में से कम दो दर्जन विधायक डेली सुबह उठ के कर्ज करते हैं कि इस मुख्यमंत्री ने हम लोगों का कैरियर तबाह कर दिया भ्रष्टाचार की वजह से, और बेशर्मी और निर्लज्जता की वजह से जेल में बैठ के भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत में बैठा है और शीश मेल न छोड़ना पड़े, एवं इलेक्शंस दिल्ली के सिर्फ 5 महीने दूर है। तो ऐसी पार्टी जो कि इंटरनल स्क्वेबल इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करने की बजाय एक निर्लज्जता ढीठपने पे आ जाए, तो उसका यही परिणाम है कि उसके बावजूद भी ये जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनविंदर जी, यहाँ पर यह भी सोच देखने वाली बात है कि कोई सोचेगा कि ऐसी सिचुएशन में क्यों जाएंगे जब इनकी हालत यहाँ पे ठीक नहीं है, इनको खुद यहाँ पे तपेदिक और टाइफाइड का बुखार हुआ पड़ा है। लेकिन इसके पीछे मंशा ये है कि ये लोग पैसा बनाते हैं टिकटें बेच बेच के। आम आदमी पार्टी ने जल्दी ही सीख लिया, क्योंकि उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है और उसको कोई भी उस बात को रिफ्यूट या मना नहीं कर सकता। पहले तो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही, देशभक्ति की बातें कही, पैसे 5-5 रुपये का चंदा भी मिलता था तो बड़ी शोक व बड़े स्टीम के साथ बोलते थे कि देखिए हमें 5 रुपये इस रिक्शा वाले ने दिए। आपको ध्यान होगा कि जब चौराहे पे रेड लाइट पे अरविंद केजरीवाल को ब्लू वैगनार जो कि कुंदन शर्मा लंदन वाले ने दी थी, और लंदन वाले कुंदन शर्मा का आपको इंटरव्यू करना चाहिए, लेकिन काफ़ी हमारे जो पुराने वॉलंटियर्स हैं वो इतने डिजेक्टेड हो चुके हैं, इतने टूट चुके हैं कि एक टर्म होती है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। जैसे फौजी जब जंग लड़के आता है तो वो काफ़ी महीनों तक सालों तक PTSD से अफेक्ट होता है। उसको पता नहीं होता कि मुझे PTSD है, अगर पता ही हो जाए तो फिर तो समस्या का समाधान वो खुद ढूंढेगा। तब उसकी फैमिली वाले थक मांद के काफ़ी महीनों बाद सोचते हैं कि इसको डॉक्टर को दिखाएं, तो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि इनको PTSD है। मैंने अपनी आंखों से मनविंदर जी ऐसे वॉरियर्स देखे हैं जो इतनी बड़ी ज्वलंत देशभक्ति की वजह से आए हुए थे, वो इतने टूट गए, उनको ये भी नहीं पता था कि वो मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट उनके सुन सुन के मैं तंग आ जाता था। एंड कुंदन शर्मा इज वन ऑफ देम। वो नहीं मानेंगे, कुंदन शर्मा नहीं मानेगा ये बात। ओह माय गॉड। लेकिन जो जब आपको थोड़ा सेंस हो तो आप मानेंगे कि नहीं, कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस ऑपरेटस इंटरनल। ऐसे कई हैं, इसलिए ये सब लोग छोड़ के चले गए। उसके बाद दे हैव बीन फेसिंग सो मेनी टर्मोइल इन देयर लाइव्स। तो जब ये नीली वैगनार में बैठ के वहां पे कोई 5 रुपये भिखारी इनको देता था चंदा, तो ये आके बड़ी बखान करते थे उसके। लेकिन जैसे सत्ता में आए मनविंदर जी, तो पहला काम क्या किया, पहला काम ये किया कुछ MLAs बन गया, 67 MLAs बने, तो यानी कि राज्यसभा के लिए MPs की सीटें खुल गई। तो पहला राज्यसभा में MP किसको भेजा गया, पहला द वेरी फर्स्ट MP via आम आदमी पार्टी वॉज नन अदर देन सुशील गुप्ता जी। अब सुशील गुप्ता एक बहुत बड़े थैली शाह हैं, मनी बैग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दिल्ली में उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे क्या कंपल्शन आन पड़ी कि आम आदमी पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें करती थी, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज दी। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ट्रेड डीलिंग हुई। तो इन्होंने ओवर द इमीडिएटली क्या सीखा कि यदि आप टिकटें बेचने लग जाए, सीटें बेचने लग जाए, तो ये 5-10 रुपये की बजाय आपका करोड़ रुपये इकट्ठे आ पड़ेंगे। इसी का परिणाम है कि अब जेट में घूमते हैं भाई साहब, निर्लज्जता से टैक्स पेयर्स के मनी विशेष मेल बना दिया।
और सारी हदें पार करके इन्होंने जो देश के साथ जनता के साथ धोखा किया, तो जम्मू कश्मीर में जाने का इनका एक सिंगल मात्र उद्देश्य ही है। पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं है। मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर निकले, सिर्फ बेल पे आए, अभी तो चार्जेस से अब्सोल्व नहीं हुए, जैसे जेल से बाहर बेल पे आए, तो आम आदमी पार्टी ऐसे खुशी से फूट पड़ी जैसे कोई यू नो कोई एक मतलब एक देशभक्त व्यक्ति जेल से बाहर आया। ये तो दारू के दलाल हैं, दारू के दलाल। ऐसे व्यक्ति को बेल मिल गई, ठीक है, केस चलेगा। तो आते ही उन्होंने क्या किया, मनविंदर जी, आते ही मनीष सिसोदिया ने एक दो दिन भी मतलब सदर की चैन नहीं ली, सभी मीडिया हाउसेस को देर दनादन इंटरव्यूज देने लग गए। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि द मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस, यानी कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप कैसे इस किस्म की बातें बोल सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ, केस कोई था ही नहीं, हु डू यू नो एंड हाउ डू यू नो, ये तो जस्टिस का मामला है। तो यहाँ पे इन्होंने जुडिशियल जो एक उनको बेल मिली, उसके बाद जो जुडिशियल कंडक्ट है उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया, साथ ही साथ पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तो इनको तुरंत वापस कोर्ट द्वारा बुलाया जाना चाहिए, ये हमारी अपील है जस्टिस सिस्टम। सेकंड ये कि जैसे वो आए तो उन्होंने आनन फानन में पद यात्रा अनाउंस कर दी। अब पद यात्रा आदमी सोचता है कि चलो 6-8 घंटे तो चलेगी पार्टी, यानी कि जो वर्कर्स है, और शाम को 1.5 घंटे कभी कालकाजी चले गए, कभी मालवीय नगर चले गए। आज मुझे फोन आया, वो कहते जी मालवीय नगर ये शाम को सुल्तानपुरी माजरा, ये विधानसभा नंबर 10 है, यहाँ पे आने वाले हैं। तो शाम को 1.5 घंटा वो फोटो ऑप्स के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी कि मतलब उल्टी सीधी बयानबाजी। तो ऐसे निकम्मे ठगों को दे आर नो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस लेके बैठे, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑफ फॉर द पीपल, सो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। इनको तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए, और इस किस्म के उल्टी सीधी बयानबाजी के लिए। बट ऐसे निकम्मे निर्लज और जो ये अनार्किस्ट लोग हैं, अराजक लोग, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करें। इन्होंने जो 10 सालों में देश का बेड़ा गर्क किया, तो जम्मू कश्मीर में कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस आउटबर्स्ट मनविंदर जी, क्योंकि मुझे भले PTSD तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे में अभी भी इमोशनल वो है कि यू नो कि कितने लोगों का करियर तबाह कर दिया। हम तो चलो डॉक्टर थे, संभल गए वापस, और एक जिद भी है, जुनून भी है कि जिन जड़ों में पानी दिया उनमें जड़ों में तेल भी डालेंगे। बट द होल पॉइंट इज जम्मू कश्मीर में टिकटें बेच के अपना ये खजाना उसको ज़्यादा वो करेंगे, उसे कुछ पैसा बढ़ाएंगे। संजय सिंह जैसे व्यक्ति जिनको आज कोर्ट से उनके लिए उनको अरेस्ट वारंट इश्यू किए गए जी, संजय सिंह की हिस्ट्री तो सब लोग जानते हैं कि कैसे गली के नेता जो कि टिकटें जो सिनेमा थिएटर्स के बाहर खड़े होकर, और ये इसका पूरा एविडेंस है, मतलब इनके खिलाफ पुलिस या थाने में FIR लॉज हो चुकी हैं कि किस प्रकार से ब्लैकमेलिया वाले काम करते थे संजय सिंह। ये देश को क्या दिशा देंगे, आप ये बताइए। बहुत सही कहा आपने, आपने यात्रा की बात की है, तो ये भी सुनने में आ रहा था कि 14 अगस्त को इनकी यात्रा होनी थी, लेकिन अंदर से केजरीवाल को जब ये पता चला कि इनकी यात्रा होने वाली है, तो उन्हें लगा हुआ कि इनकी तो पॉपुलैरिटी हो जाएगी, ये पब्लिक में जाएंगे, आउटरीच इनकी बढ़ जाएगी, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन करवा दिया। लेकिन अब ये मिनी यात्राएं कर रहे हैं, तो मैं इस पर भी आपका कमेंट चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि इस ये चीज़ ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर रिलेशनशिप। बहुत बहुत धन्यवाद मनविंदर जी, आपने वो फिलर इसमें डाल दिया जो मैं जो पॉइंट एक मतलब मैंने अपने शब्दों में बयान नहीं किया। वास्तव में ये जो इनकी पद यात्रा है, और जैसी आनन फानन में एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में यात्रा अनाउंस की गई है, यानी कि इनको लगा कि बिफोर समवन यू नो स्टॉप्स मी, उससे पहले मैं शुरू कर दूं, क्योंकि इनको आती अपनी सुपरमेसी जमानी है। अब ये क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया, इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो पूरी कहानी वही है कि मैं ही हूँ अब सब आम आदमी पार्टी में, अंदर ही अंदर मतलब वो कहना ही चाहते कि जो हमारा जो चीफ्टन है गैंगस्टर, जो जो ठगी हम ठग परिवार का जो एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बैठा है, तो अब मैं अपनी वो जमा लूँ ताकि ये मैं डिस्प्लेस कर सकूँ किस किस को, सुनीता केजरीवाल को, आतिशी देवी को, जो कि
हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, ड्रामा क्वीन है वो पूरी, और संजय सिंह, और उसके अलावा जो इनके इंटरनल एस्पिरेंट्स बैठे हैं उसके अलावा। तो इससे पहले कि और कुछ हो, कैलाश गहलोत होम मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो उनको ही जिम्मेदारी दी गई थी ध्वज फहराने की 15 अगस्त। जी जी जी, जब इनके इनके मुंह पे तमंचा था, क्योंकि ये तो इनको ही डिसाइड करना चाहिए था, होम मिनिस्टर को, सॉरी चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि मैं इस बात की मैं चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि जेल में हूँ और वो भी करप्शन चार्जेस पे, तो मेरे होम मिनिस्टर को, लेकिन उन्होंने आतिशी के थ्रू भी अपना वो जमाना चाहा, क्योंकि ये सब एक जो डेस्परेट भानुमती का कुनबा है ना, उसके लक्षण है। तो सब बेचैन है मुर्गों की तरह, जैसे अब मुर्गे इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ठीक है, तो इनकी वही हालत है बिल्कुल। और बाकी कितने MLA तो पिक्चर में आना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से कोई अपनी एसोसिएशन दिखाएं। आपने कभी सोशल मीडिया पर देखा किसी MLA को सपोर्ट करते हुए? राज्यसभा के इनके जो पंजाब के खासकर जो MPs हैं उनको कभी सपोर्ट करते देखा हो आप? नो वन इज सपोर्टिंग देम। MLAs को इतनी चिंता है कि उनका एवरी सिंगल डे उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, एंड वो जनता के सामने जाएंगे क्या, वो कैसे जाएंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्योंकि उनके मुंह पे तमाचा मारा जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री तो जेल में है, पानी की समस्या है। क्योंकि जब हम जाते हैं भारतीय लिबरल पार्टी वाले डेली कैंपेन पे, तो हमें कई बड़े अनसेवरी क्वेश्चन हमें फेस करने पड़ते, टफ क्वेश्चन। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे ठग ने, अरविंद केजरीवाल जैसे ठग ने ईमानदार लोगों की राह को जटिल बना दिया। तो लोग हमसे कहते कि आप ये जो इस किस्म की बातें बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सामाजिक न्याय लेके आएंगे, लेकिन ये बातें तो हम केजरीवाल के मुंह से भी सुन चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हर्ट हो चुका होता है ना एक व्यक्ति, वो फिर मुंह फट हो जाता है, क्योंकि समाज की आस्था के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, उसके आशीष महल बना के बैठ जाए, तो लोग यानी कि समाज की आस्था के साथ जब खिलवाड़ होता है तो वो क्या होता है कि वो मुंह फट, मतलब वो फिर वो हिचकिचाता नहीं। तो जब हमें दिक्कत आती है, आप ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी के MLA को क्यों दिक्कत नहीं आती होगी? उनको तो बोलते हैं आप तो जिस आम आदमी पार्टी से हो उसका तो जो आपका गैंगस्टर है वो तो जेल में बैठा है, वो काम हुए नहीं कुछ। दिल्ली पूरे 10 सालों में इस वक्त जंक यार्ड सिटी का टाइटल से कम नहीं है, जंक यार्ड सिटी, एंड आई एक्चुअली मीन इट, जंक यार्ड सिटी, कूड़े करकट का यहाँ पे पूरा बदहाली आई फैली पड़ी। आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, आप किसी सड़क पे चले जाइए, NDMC को थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हैं क्योंकि NDMC सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, जो आप लुटियन जोन जिसे बोलते हैं, अदरवाइज पूरे दिल्ली में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? MCD, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के 250 पार्षदों में से 250 पार्षद में से 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 104 पार्षद BJP के। तो आपको किसने रोका इनसे काम करने से? और BJP वालों के साथ भी बल्कि मिलकर काम करिए, ताकि वो भी उनका भी जो वहाँ पे लथार्जीनेस है, ताकि वो आगे आप मतलब मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ने तो आपको इसीलिए चुना है। लेकिन पूरा दिल्ली को इन्होंने जंकयार्ड सिटी बनाया हुआ है, पानी का जल भराव की स्थिति आप देख ही चुके हैं, राजेंद्र नगर में जो कोचिंग सेंटर में हुआ IAS की वो आप देख चुके हैं, जल जैसी कल भी आधे घंटे बारिश हुई यहाँ पे, आधे घंटे में आप बड़ी भयावह पिक्चर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो दिल्ली की जी। न्यू रोड पे पुलिस डिपार्टमेंट ने यानी दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि प्लीज एक वीडियो बनाए कि इस सड़क से मत गुजरी आप, ये कल की बात है, 24 घंटे मुश्किल से 24 घंटे हुए। प्रदूषण की समस्या आप देख ही चुके हैं, प्रदूषण की समस्या के अलावा आज जो ये इनके MLA हैं उन्होंने ये बोला है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली के प्रदूषण का निदान किया जाए। मतलब इतनी लाफेबल बात है कि 10 साल इनके हो चुके हैं और आज यहाँ पे इनकी सरकार के मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम सेंटर से गुजारिश करेंगे कि वो प्रदूषण की समस्या के लिए हमें मदद करें। इनको तो जेल में पकड़ के डाल देना चाहिए इसी मुद्दे पे। मतलब पॉइंट क्या है मनविंदर जी, कि अपने देश में रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, ये जो एक्सिस बनती है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। यानी कि जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, जवाबदेही एवं जब किसी व्यक्ति ने कल्पेबिलिटी मीन्स कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसके लिए उस पर चार्जेस फिक्स किए जा सके।
तो गोपाल राय की हिम्मत कैसे हुई, जो इस वक्त एमएलए भी है बापरपुर विधानसभा 67 से, तो उनकी हिम्मत कैसे हुई आज ये कहना कि हम सेंटर से अब गुजारिश करेंगे कि हम प्रदूषण के निदान के लिए हमें मदद दें। आप पिछले 9 सालों 10 सालों के झक मारे थे। तो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जवाबदेही और कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी फिक्स कर दीजिए, ये सब जेल में होने चाहिए और वास्तव में जेल में होने चाहिए, क्योंकि इन पे जो जिस प्रकार से दिल्ली को इन्होंने हेल्थ क्राइसिस पे ला दिया है, कूड़ा करकट का सीधा संबंध हेल्थ से, हेल्थ एपिडेमिक से, तो यदि जिस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली की हालत है उसमें शैली ओबराय, अरविंद केजरीवाल और प्रदूषण न्याय रोकने के लिए जो भी जिम्मेदार बाकी मिनिस्टर्स हैं, इन सबको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए इनको चार्ज किया जाना चाहिए, बुक किया जाना चाहिए। जब राजेंद्र नगर में पानी भरा बेसमेंट में और 30 स्टूडेंट्स की वहां पे इंस्टेंटेनियसली डेथ हो गई, इमीडिएटली डेथ हो गई, तो पुलिस ने अगले दिन क्या किया, पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किसको किया, उस आईएएस रावस आईएएस कोचिंग सर्कल के मालिक को पकड़ लिया, जो कि ठीक था। तो यहां पर जो ये लोग पिछले 9 सालों से बोले जा रहे हैं कि हम प्रदूषण का इलाज कर देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, एमसीडी जो आपसे डेली टैक्सेस लेती है जनता से, आप दिल्ली में किसी भी दिशा से एंटर करें 100 रुपये आपसे एमसीडी चार्जेस मिनिमम लेती है, 100 रुपीज वन व्हीकल के लिए, और जो कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं बड़ी बड़ी बसें और ट्रक्स, उनका तो आप सोचिए 300, 400, 500 रुपये फीस। तो व्हेन वी आर पेइंग सो मेनी टैक्सेस, तो आप कल्पेबल क्यों नहीं हो, आपके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्यों नहीं की जाए। और मैं कहता हूँ एक सिंगल सुधार कर दिया जाए अपने देश में, सब लोग जेल में होंगे। बहुत सही कह रहे हैं आप। एक और बात आपसे मैं डॉक्टर साहब समझना चाहती हूँ, जब से मनीष सिसोदिया जेल से आए हैं उनके साथ सुनीता केजरीवाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, रेदर आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, ये सब अलग अलग गुटों में बटे हुए दिख रहे हैं, तो आखिर मतलब पार्टी में चल क्या रहा है? देखिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होके अपने आवास में स्वाति मालीवाल यानी कि जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अरविंद केजरीवाल की पुरानी सहयोगी भी है 2007-2008 से, जब इनको सपनों में भी नहीं इनको पता होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तब से वो इनकी सहयोगी है। तो जिसने अपनी उम्र के इतने साल अरविंद केजरीवाल को उनके कैरियर के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाया, उसको जब आप इस किस्म की धृष्टता कर सकते हैं कि उनको आप अपने आवास पर मुख्यमंत्री आवास पिटवा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने पिटवाया, चीफ सेक्रेटरी को भी मुख्यमंत्री आवास पर, तब शीशमहल नहीं बना था तो मुख्यमंत्री आवास पे एमएलए द्वारा पिटवाया, तो इनकी जो वायलेंस की जो इनकी वो है, और विभव कुमार को आप सब जानते हैं, तो जब इन्होंने ये सब हरकतें कर दी तो आपको क्या लगता है कि ये इस हरकत से बाज आएंगे? जब संजय सिंह बाहर आया बेल लेके, संजय सिंह बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहला धमकी वाला काम क्या किया कि वो पहले तो सोशल मीडिया में तो ये दिखा कि सुनीता भाभी जी के पांव छुए जा रहे, बट अंदर बैठक में बैठ के उनको बोल दिया कि अब आप शांत होकर बैठ जाइए। ये हमें पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने उनको धमकाया कि आप बैठ जाइए शांति से, ज्यादा पंगे मत लीजिए, अब मैं बाहर आ चुका हूँ एंड मैं ही वारिस हूँ इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है? तो आपको क्या, अब ये हिंट काफी है। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने यही किया, मनीष सिसोदिया जैसे ही बाहर आए इन्होंने उनको कहा कि मैं डिप्टी सीएम रहा हूँ, पंगे मत लो। और इनकी पावर को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर सकते हैं, जिन्होंने शराब घोटाले में, क्योंकि पावर इनके पास है इस वक्त, एंड जिसके पास पैसा है उसके पास लंबे हाथ होते हैं, तो ये सब इसलिए साइलेंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि इन्होंने उनकी नब्ज पकड़ी हुई है। जो आदमी और जो पार्टी और जो संगठन दुराचार पे बनाओ, बेईमानी की बेईमानी पर बनाओ, तो वहां पर बुजदिल लोग बैठे होते हैं। जिस संगठन में सत्यवान लोग होते हैं, सच्चाई वाले लोग होते हैं, वहां पे आत्मनिर्भरता होती है, उनमें एक एक वो होता है, जुनून होता है कि हाँ हम देश के लिए आए। तो ये सब भानुमति का जो कुंभ है इसमें बुजदिल लोग बैठे हैं और ये आपस में रस्साकसी किए जा रहे हैं रोज। तो इसलिए जो ये आपने प्रश्न पूछा उसका यही है कि अल्टीमेटली दिस इज अबाउट दैट ओनली। आप इसमें स्वाति मालीवाल का भी कुछ रोल देख रहे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एक टेक दिया था जिस समय उनके साथ मारपीट हुई थी कि अगर मनीष सिसोदिया होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया
कि वो आ गए हैं, अच्छी बात है, उन्होंने मीडिया में भी ये बात कही और अब वो दिल्ली को लीड करेंगे। आप क्या देखते हैं उनके इस टेक में? दिल्ली को वो लीड करने की उनकी पूरी चाहत है, वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। अब जो डेस्पिरेशन थी पद यात्रा, पहली बात तो इसको पद यात्रा कहना नहीं चाहिए था, ये तो मिलन यात्राएं होती ना छोटी मोटी, जैसे एक डेढ़ घंटा आप निकल के टहलकदमी करते हैं, मिनी यात्रा, हाँ तो वो कहना चाहिए था। और इस प्रकार से जिस प्रकार से जुटे हुए हैं इस वक्त, पूरा अपना मीडिया इन्होंने अपने पैसा दे दे के उस पर छपवाए जा रहे हैं, ये पब्लिसाइज करवाए जा रहे हैं, दैट शोज कि उनको लगता है कि इससे पहले कि अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ हथियाने की कोशिश करे अपना कब्जा जमा लें। जैसे मैंने कहा कि ये लोग सब बेसिकली आम आदमी पार्टी में ये लोग जिसको कहते हैं कि बड़े इनसिक्योर किस्म के लोग हैं, सत्ता इनके हाथ से जाती खिसकती जा रही है, जो इनका इनका जो चरित्र था वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, दुष्चरित्र जिसको कहना चाहिए, तो इसलिए झूठ के पाँव नहीं होते मनविंदर जी, ये दुनिया जानती है। और वैसे भी अल्टीमेटली ट्रुथ अलोन प्रिवेल्स, सत्य में जयते। क्योंकि मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दिलवाना चाहता हूँ आपके ऑडियंस का, दर्शकों का, कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो इस किस्म के लॉफ्टी आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट्स एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार इस्तेमाल की गए कि सत्य में जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, ये हमारा टिपिकल उस वक्त डायलॉग होता था, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जब ये अब उसके बाद भी इतने दुराचारी बन चुके हैं ये लोग कि जब वो उस घटना के 12 साल बाद जब ये बेल से बाहर निकले तो तब भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के एक स्टिकर हमने देखे खूब दिल्ली में, पैसों की कमी तो है नहीं, टिकटें बेच बेच के इन्होंने काफी धन जमा कर लिया, तो ऐसे स्टिकर्स विद इन ए फ्यू आवर्स लगने लग गए जिसपे ये लिखा है, दो व्यक्तियों की फोटो लगी हुई है जो कि दोनों दारू के दलाल हैं इस वक्त, जब तक इनको कोर्ट भरी नहीं करेगी तो ये दारू के दलाल कहे जाएंगे। उसके बाद भी नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। तो 13-14 साल पहले भी ये झूठे और मतलब इनका कोई ईमान नहीं था, आज भी उसी प्रकार के मिसकंडक्ट से बाज नहीं आते, ये परेशानी वाली बात। सत्यमेव जयते आप कैसे कह सकते हैं, आपको जस्ट कोर्ट ने बेल दी है, तभी तो ये इस किस्म का इनका जो निकम्मापन, जो इनका जो बेईमानी पना है जो इनका, तभी तो इस्तीफा नहीं दे रहे, नहीं तो एक संविधान के संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो इमीडिएटली ये बोलेगा कि मैं इस्तीफा देता हूँ ताकि न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न आवे एवं जस्टिस जब हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं छूट जाऊंगा, ये होनी चाहिए एक सच्चे आदमी की स्टेटमेंट, बट निर्लज होकर वहां पे बैठे हुए। डॉक्टर साहब, ये जो पदयात्रा इनकी पोस्टपोन की थी, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि इनको मीटिंग्स, जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं बैक टू बैक मीटिंग्स करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज इनको करवाया कि जो भी मीटिंग होगी वो शीश महल में होगी, इन्होंने एक मीटिंग की वहाँ पे, लेकिन उसके बाद से तो फिर इन्होंने पलट के देखा ही नहीं सुनीता केजरीवाल को। एग्जैक्टली, पहली बात तो ये है कि शीश महल में तो उनकी पत्नी बैठी है, ठीक है, तो उनके मुख्यमंत्री तो है नहीं, क्योंकि इस बार 15 अगस्त को, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 15 अगस्त को मैं भी उसी इलाके में था, ठीक है, रिज का जो पार्क है और उस मार्ग पे जो है भिखुराम जैन मार्ग पे मैं था उस दिन, और हमने कहा चलो ठीक है 15 अगस्त आज देख लेते दिल्ली सीएम रेजिडेंस यानी कि शीश महल की क्या हालत है, तो शीश महल के बाहर आपको एक चिड़िया भी उड़ती हुई नहीं दिखी जबकि सिक्योरिटी फुली टाइट थी। तो कितने शर्म की बात है एक पार्टी के लिए कि उनका मुख्यमंत्री 15 अगस्त को जेल में है और सीएम रेजिडेंस पे उस दिन कोई भी ऑफिशियल फ्लैग होस्टिंग नहीं हो पाई, ये बहुत बड़ा तमाचा है जो सत्य और सदाचार में विश्वास रखते हैं, लेकिन इन निर्लजों को कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये बताइए कि मनीष सिसोदिया उनके घर में मीटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ एट दिस पॉइंट, एंड वो डिप्टी सीएम होके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में मीटिंग क्यों ना करें, उनको इस बात का पूरा हक है।
और दूसरा उनके घर पे अगर मीटिंग करने लगे तो वो तो फिर एक जैसे पालतू एक टेम पेट होता है उस हिसाब से वो ट्रीट किया जाए। आपने कहा कि उनके यहाँ सिक्योरिटी बड़ी टाइट सी, तो उनको उन्होंने क्या कुछ लोगों की एंट्री पे बैन किया हुआ है शीश महल में? जी अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जब दिल्ली का शीश महल बनाने के बाद तो कायाकल्प हो चुकी है, वो बड़े बड़े पेड़ सघन पेड़ लगा दिए गए हैं। तो आप क्योंकि मेरे साथ दीपक भी बैठे, ये भी गए थे एक बार देखने, तो हम वास्तव में दृश्य देख नहीं पाए। नया व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, मेरे जैसे व्यक्ति जिसने पहले उस आवास में कई बार आना जाना हुआ है, तो एक बिल्कुल मामूली जैसे एक रेजिडेंस होता है एक ऑफिशियल का, सरकारी एक मंत्री का या सरकारी सीएम का, तो एक बड़ा एक सरकारी जैसे लाल रंग के एक बंगला टाइप था वो था। अब कायाकल्प करके चार चार मंजिल संगमरमर के जैसे एक बिल्कुल एक बिल्डिंग दिखती है वैसे चमकदार वो दिखता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो इनका रेजिडेंस है जैसे ऐसे वो फैला हुआ है, तो एक हिस्से में जनता दरबार लगता था, जनता दरबार, ये बड़ा इन्होंने वहाँ पे पॉपुलराइज किया था उस वक्त कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में बैठ के समस्याएं सुनेगा। अच्छा मुख्यमंत्री तो बैठते नहीं थे वैसे, गोपाल राय ना ये जो गोपाल है गोपाल मोहन और इनके जो चमचे चपाटे थे वो बैठते थे वहाँ पर, धीरे धीरे वो बैठने भी बंद हो गए। अब उसको इन महाशय ने उसको टोटली बंद कर दिया, जनता दरबार हैज बिन डिसबैंडेड, यानी कि वहाँ पे जनता दरबार लगता ही नहीं है। अब जब तो जनता के जो सरदार है वो जेल में है तो कहाँ से जो है दरबार लगेगा? तो हाँ जी, तो वहां पे जनता दरबार तो लगना कई साल पहले बंद हो गया क्योंकि उनको लगा तो सत्ता पूरी हासिल कर लिया, अब अपना सुख भोगा जाए उसका। लेकिन साथ ही साथ उस जगह पे सिक्योरिटी टाइट कर दी इन्होंने। अब पहले क्या होती थी, उतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी टाइट क्यों कर दी, किसकी एंट्री बैन की है इन्होंने? क्योंकि झूठा व्यक्ति हमेशा दबता है ना, वो डर के भागता है लोगों से। ये वही मुख्यमंत्री थे जब 49 डेज की गवर्नमेंट थी, 49 डेज की गवर्नमेंट थी, तो इस वक्त उन्होंने सरकारी बंगला नहीं लिया था। तो आईएएस अपार्टमेंट्स हैं आपके गाजियाबाद में, वहां पे वापस चले गए थे जैसे सीएम बने 28 सीटों के साथ कांग्रेस के एक्सटर्नल सपोर्ट से, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली 2014, तो ये वहाँ चले गए। मैं इनसे एक दिन सुबह मिलने चला गया, सुबह 7 बजे, तो बिल्कुल सामान्य ढंग से जैसे उसी आईआरएस ऑफिस आईआरएस सोसाइटी में नीचे एक जैसे सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, उसने फ़ोन मैंने मिलाया ऊपर, उसने फ़ोन मिलाया कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा ऊपर भेज दीजिए। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमने चाय पी सुनीता जी को, उन्होंने बोला अरविंद भाई साहब ने कि प्लीज़ चाय बनाइए डॉक्टर साहब के लिए, हमने 10-15 मिनट चाय पी। उसके बाद अरविंद कहते हैं कि मुझे कटिंग करवानी है, हेयर कट, वो दिल्ली के सीएम थे उस वक्त, सिक्योरिटी उन्होंने नहीं ली हुई थी। हम नीचे क्योंकि आई थिंक तीसरी या चौथी मंजिल पे थे, हम नीचे सीढ़ियों से चल के नीचे सोसाइटी से नीचे उतरे, सोसाइटी से बाहर निकले गेट से, सड़क से चल के सड़क पे कोई व्यक्ति नहीं था हमारे साथ, कोई सिक्योरिटी नहीं थी हमारे साथ। वो ठंड का समय था तो कुछ लोग आगे पीछे जैसे आने जाने वाले, उनको पता भी नहीं था कि सीएम दिल्ली के सड़क पे चल रहे। तो उस वक्त क्योंकि इनके साथ सत्य था, देश खड़ा था हमारे जैसे देशभक्तों का, मतलब मेरे जैसे नहीं हमारे जैसे अनेकों लाखों, मैं अकेला नहीं था, हम देशभक्त इसलिए बोलते कि हम सच्चाई के लिए आए थे। तो अब उसके बाद जैसे सीएम बने, अब इन्होंने राज्यसभा की टिकटें बेचनी शुरू की, सारा दुराचार इनमें आ गया, तो इनको डर लगता है। अब पब्लिक, उसी पब्लिक से डरते हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ एक सामान्य व्यक्ति से नीचे उतर के सीएम के रूप में हेयर कट के लिए जाएगा, जा रहा था उस दिन, आज वो दिखते नहीं है क्योंकि उनको डर है कि कोई मार ना दे उनको, सच्चे नहीं है ना ये लोग। लास्ट में एक सवाल और है मेरे पास आपके लिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवा दी, और ये मनीष सिसोदिया वही है, ये अभिषेक मनु सिंह भी वही है, जब लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिशें कर रहे थे सिसोदिया जी कि मुझको जमानत मिल जाए, मैं बाहर जाकर के प्रचार कर सकूं, लेकिन उस समय केजरीवाल को आउट ऑफ द वे जाकर के इन्होंने अंतरिम जमानत दिलवाई। लेकिन अब केजरीवाल के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि उन्होंने मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवा दी है, ग्राउंड सेम है, लेकिन अभी तक जो है उनकी जमानत का नंबर नहीं आया है, तो ये गेम क्या है? न केवल ये, आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल
तो मनु सिंघवी जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे फैट वकील, यानी कि जो जो मोटी फीस लेता हो, उस व्यक्ति की टैक्स पेयर मनी से पूरी सिस्टम को उसने टैक्स पेयर मनी से ही इज एंजॉइंग दैट पर्क्स प्रिविलेज। लेकिन उनका जो बाशिंदा है जिसने स्वाति मालीवाल जैसे एमपी के साथ भी वहां पे उस वक्त वो किया, असोल्ट किया, वायलेंस की, उसकी फीस भी कौन, उसका वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंह। क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम का ये मोलेस्टेशन है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? विभव कुमार को आज अपनी पॉकेट से वकील करना पड़े तो उनके तो सात पुश्तैनी जायदाद बिक जाएगी अगर हो थोड़ी बहुत भी। तो इनको हक क्या है कि इस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग करें? और उसके ऊपर पीड़ा ये है मनीष सिसोदिया की कि मुझे अभिषेक मनु सिंह भी जैसे मोटे वकील को की सहायता क्यों नहीं मिली? तो ये गेम है, दिस इज द गेम। मैं वही गेम मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि अब कांग्रेस ने तो उनको तेलंगाना से राज्यसभा का रास्ता साफ कर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। तो यही बात थी कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट आई हुई थी, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा था, इनको भेजना था, केजरीवाल ये उनको इनाम देना चाह रहे थे जिस समय वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पे आए थे। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई नहीं लग रही आपको? परिस्थितियां बिल्कुल बदली हैं। मनीष सिसोदिया अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 1.5 साल में 17 महीनों में उनके साथ किस ढंग से मिसट्रीटमेंट किया गया। उनके लिए पार्टी ने कभी समर्थन नहीं जुटाया, सोशल मीडिया पे कोई, मतलब यानी कि वो जेल गए एंड सब लोग उसको बारे में, उनके बारे में भूल गए। तो ये जो उनके साथ किया गया, ये स्पष्ट है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स खूब की गई, और ये मनीष सिसोदिया समझते हैं, जानते हैं, इसलिए वो इस वक्त अपनी आधिपत्य जमाने में लगे हुए पार्टी में। बेसिकली भानमति का कुनबा है जिसमें कि इंटरनल लड़ाई है। ये देश की सेवा करने आए थे, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, और ये 3-4 लोग आपस में लड़ मर के मिट जाएंगे, लेकिन अपने जो जो एक इनसिक्योरिटी इनके माइंड में है उसको नहीं जाने देंगे। तो इट मीन्स ये टिट फॉर टैट करेंगे जैसा केजरीवाल ने इनके साथ किया, अब वो बाहर आके पार्टी में जो अनरेस्ट देखने को मिल रहा है विदाउट एनी डाउट, इसलिए तो उन्होंने सब भी शुरू कर दिया। वो चाहते कि पहले वो जमा लें अपनी सीट, लेकिन जमा कोई भी नहीं पाएगा क्योंकि बेसिकली ये निकम्मे एवं निर्लज्जता इनमें कूट कूट के भरी है, एनार्किस्ट लोग हैं, इनसिक्योर भी हैं। तो ऐसे लोग आपस में हाथापाई करके बैठ जाते हैं, शांत निकलेगा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को, और बहुत बारीकी से चीज़ों को आपने समझाया, और मेरे शो के लिए समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।